नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। नीट 2019 के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग पर आप सभी स्टूडेंट का फोकस रहना चाहिए। इस वीडियो में एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है। नीट 2019 के सीट मैट्रिक्स अब अवेलेबल हो गई है और वह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऑल इंडिया कोटा में जो 15% रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ उनकी काउंसलिंग होगी, उसमें टोटल कितने सीट्स हैं और कितने कॉलेज पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उनका डिटेल आपको सीट मैट्रिक्स में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो डीम यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे, वो कितने हैं। ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में उनमें टोटल कितने सीट्स हैं, हर कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, हर कॉलेज में कितने सीट्स हैं, वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, mcc.nic.in। यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ और डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। डाउनलोड के नीचे आप देख सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स का बटन दिया गया है। यहाँ पर 2019 के सीट मैट्रिक्स हर कॉलेज के लिए अवेलेबल हो गई है। ASI के लिए, जामिया के लिए, MU के लिए, डीम यूनिवर्सिटी के लिए, ऑल इंडिया कोटा BDS के लिए और MBBS के लिए सीट मैट्रिक्स अब अवेलेबल हो गई है। यहाँ पर जो भी स्टेट वाइज कॉलेज आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर टोटल कितने सीट्स अवेलेबल हैं और आपका चांस जो है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कौन से मेडिकल कॉलेज में और कौन से सीट पर आपको चांस मिल सकता है। तो ये डिटेल मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। mcc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। कॉलेज, हर कॉलेज के सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, हर यूनिवर्सिटी की सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, हर डीम यूनिवर्सिटी की सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हैं। तो वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।